जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 14वां अध्याय श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्र पात्र का विचार। और वह बोले, हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य भगवान ब्रह्मा, देवराज इंद्र, भगवान रुद्र, भगवान अश्वनी कुमार, भगवान सूर्य, भगवान अग्नि, भगवान वसुगण, भगवान मरुदगण, भगवान विश्वेदेव, भगवान पुत्रगण, पशु मनुष्य पक्षी सरीसृप ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अर्थात अमावस्या और अष्टका, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के चार महीनों की शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करें। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब कामी श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब कामी श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विशुद्ध संक्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी कामी श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या साती नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। तथा जो अमावस्या पुष्य आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो, उनके लिए घनिष्ठा, पूर्व भद्रपदा अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपति, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भद्रपदा कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाधि कहा गया है। ये 4 तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1,000 वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता। और यदि उस समय माघ की अमावस्या में घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अनुदक से पितृगण की 10,000 वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उनके साथ पूर्व भद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए, तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1,000 युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शत्रुदु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल अर्थात भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पात्र आदि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों के जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त बुद्धि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्यों को इच्छित फल देते हैं।
हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लो लूपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न वस्त्र यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्य वस्त्र मात्र वैभव होने से जो साधु काल में भक्ति विनर्मचित से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्न दान में भी असमर्थ होने पर ब्राह्मणों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठों को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनय मचुत से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इनका भी अभाव होगा तो कहीं ना कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौओं को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास साधु कर्म के योग्य ना वित्त है, ना धन है और ना कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं, और वो बोले, हे राजन, धन के होने अथवा ना होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसे ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।